हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान विद्युत विभाग के तरफ से निकली हुई वैकेंसी सूचना सहायक के बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन के एमसीक्यू के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वॉशिंग मशीन का वॉशिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? दोस्तों आपको चार ऑप्शन दूंगा, आपको सही आंसर बताना है। ब्लास्टवेयर, बायोस, फर्मवेयर या मालवेयर, आपको सही आंसर सोचना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर, फर्मवेयर। वे हार्डवेयर जिनका सॉफ्टवेयर उन्हीं में समाहित होता है वह फर्मवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्मार्ट कार्ड तकनीक में सिम का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैपिंग, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज्म या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैनिफेस्ट। तो दोस्तों आपको सही आंसर सोचना है। दोस्तों इसका सही आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी आंसर इसका सही होगा। सिम एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो IMSI इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी को सुरक्षित रूप से रखती है। ये एक चिप है जो कहीं भी कॉल या मैसेज पहुंचाने का कार्य करती है। सिम डैश डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है, कौन कौन से होते हैं? वर्ड 2007 या एक्सेस 2007 या एक्सेल 2007 या पावरपॉइंट 2007। तो दोस्तों आपका सही आंसर है दोस्तों वह एक्सेस 2007। एमएस ऑफिस में सभी एप्लीकेशन में से सर्वाधिक डेटा टाइप एमएस एक्सेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन दिस सी कोड, यहाँ पे एक सी प्रोग्राम है दोस्तों, आपको सही आंसर इसका बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको काम में लेना है, वरीयता जिसे ऑपरेटर की वरीयता कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर दोस्तों 24 होगा, क्योंकि गुणा वे भाग की प्रेसिडेंस घटाव से अधिक होती है तथा गुणा वे भाग की बराबर होती है। गुणा वे भाग को कंपाइलर लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, इसलिए 5 × 9 डिवाइड बाई 3 + 9। तो इसका आंसर दोस्तों 24 होगा, 24 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सेल फॉर्मूला इवन माइनस 15 का क्या मान होगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों 16 - 16, 14 या -14। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा -16, क्योंकि एमएस एक्सेल में इवन फंक्शन दी गई संख्या को नेक्स्ट इवन संख्या में बदल देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, GIF का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंस्टॉलेशन फाइल या ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल। आपको इसको सही आंसर सोच के बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होगा इसका आंसर। GIF बिटमैप इमेज फॉर्मेट होता है जो समय वीडियो की तरह चलता है, इसमें वॉइस का प्रयोग नहीं होता है GIF में दोस्तों। नेक्स्ट है, पहला चिप कब बनाया गया था? दोस्तों आपके ऑप्शन है 1952, 54, 56 या 58। आपको सही आंसर देना है दोस्तों, सही आंसर होगा 1958। 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने कार्यरत रहते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता जे एस किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया था, चिप जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल रूपांतरण का कार्य क्या कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है रिपीटर, गेटवे, राउटर या ब्रिज। आप इसको सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर भाई गेटवे होगा। डिफरेंट नेटवर्क पर जाने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोटोकॉल में बदलाव संभव होता है। नेक्स्ट, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क या IC या इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम है IC का। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, सही आंसर IC होगा। तीसरी पीढ़ी 1965 से 75 के समय मानी जाती है, IC का उपयोग हुआ था। उस समय एक सिलिकॉन चिप पर हजारों सर्किट उस पर प्रिंट कर दिए जाते थे। उस समय डिस्क, टेप, टाइम शेयरिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बेसिक उद्भव हुआ था, सभी काम ये IC पर होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वॉट इज आउटपुट ऑफ दिस सी कोड, मतलब सी प्रोग्राम है, ये दोनों हेडर फाइल इंक्लूड STD, STDIO, DOTH हेडर फाइल है।
और ये है इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं, वॉइड मेन फंक्शन है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, जो कोई रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, मेन फंक्शन है। यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, इंट इंटीजर टाइप वाई बराबर 3 और इंट एक्स रिमाइंडर 2 × 3/2, इसका आपको क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, 2, 3 या फिर कंपाइल टाइम एरर, आपको इसका सही आंसर सोच के बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर 1 होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 आएगा, क्योंकि क्या होता है कि गुणा और गुणा भाग और मॉडुलस की प्रसिस्टेंस इक्वल होती है और लेफ्ट टू राइट होती है। तो क्या होगा कि एक्स बराबर 5 mod 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई 3/2। तो 5 और 2 का जो होगा वो मॉडुलस रिमाइंडर वो आएगा आपका 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 3 को 2। तो दोस्तों ये आपको इंटीजर है एक्स, तो क्या होगा कि 3 में अगर 2 का अपन भाग देंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, इसीलिए इसका फाइनल आंसर कितना होगा 1 होगा। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम करता है। फर्स्ट है प्रत्येक पंक्ति का सिंटेक्स एरर चेक करता है, फिर मशीन मोड में बदलता है, पहले मशीन कोड में बदलता है फिर सिंटेक्स एरर चेक करता है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही फर्क होता है कि कंपाइलर सारे कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है या मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है दो कंप्यूटर के बीच बिट्स या करेक्टर अथवा लाइन के जरिए प्रसारित हो, इसके लिए कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन है टॉप लेवल, लो लेवल, लिंक लेवल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें सही आंसर होगा लिंक लेवल। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा।